नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। दोस्तों, काफी जो व्यूवर्स हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, जो लोग बहुत पीड़ित हैं अपने शत्रु से, आज उनके लिए मैं एक ऐसा जबरदस्त उपाय लेकर के आई हूँ दोस्तों, कि ये उपाय करने के बाद आपका दुश्मन, आपका शत्रु अपनी सारी शक्ति खो बैठेगा। सिर्फ शक्ति ही नहीं खो बैठेगा, अगर वो अपनी आदतों से बाज नहीं आया, आदतों से बाज नहीं आया, वो सच में दुष्ट है, उसका वंश नाश हो जाएगा। लेकिन इस चीज का आप तभी यूज करें जब इसके सिवाय और कोई और चारा ना बचा हो, कोई और रास्ता ना बचा हो। मैं जब कोई भी शत्रु हनन की क्रिया बताती हूँ, उसके पहले हमेशा हमेशा आपसे एक चीज़ की रिक्वेस्ट करती हूँ कि जब तक शक्य हो शत्रु हनन के प्रयोग ना करें, किसी का मारण उच्चाटन ना करें। ये तभी करें जब आपकी ज़िंदगी में इसके सिवाय और कोई भी उपाय ना बचा हो, ठीक है। इस क्रिया को जो मैं आपको बताने के लिए जा रही हूँ, इसको आप शनिवार के दिन कर सकते हैं, या फिर अभी काली चौदस आ रही है दोस्तों, काली चौदस की रात जो भी क्रिया आप करते हैं बहुत ही पावरफुली वो चीज़ इफेक्ट करती है। या तो आप इसको शनिवार, किसी भी शनिवार को कर लें, और अभी ये जो कृष्ण पक्ष है इन शनिवारों को करते हैं तो ज़्यादा इफेक्ट होगा। अदरवाइज आप इसको काली चौदस की रात को यदि करते हैं तो बहुत ज़्यादा इसका परिणाम आपको देखने के लिए मिलेगा। शत्रु उठ करके कभी आपकी तरफ देख ही नहीं पाएगा, ठीक है। शत्रु की सारी शक्ति खत्म हो जाएगी, शत्रु का बिल्कुल मतलब वो जड़ से ही खत्म हो जाएगा यदि आपने इस क्रिया को किया। लेकिन बस शर्त यह है कि आप सही होने चाहिए, आप सिर्फ अपने अहम को पोसने के लिए ना करें, किसी का भी विनाश ना करें, ठीक है। ये क्रिया आपको रात को करनी है, शनिवार की रात करें। काली चौदस को करते हैं तो काली चौदस की भी रात को ही आपको इस क्रिया को करनी है, ठीक है। आपको दोस्तों लेने हैं लाल कनेर के फूल। लाल कनेर के फूल का उपाय मैंने पहले भी बताया है दोस्तों, कि यदि आप अपने घर की दक्षिण दिशा में लाल कनेर का फूल, इसका जो पौधा है, लाल कनेर का पौधा यदि आप लगा देते हैं तो आपका शत्रु हमेशा आपसे दबा हुआ रहेगा। लाल कनेर के पुष्प से आप हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं, महाकाली की, माँ दुर्गा की पूजा कर सकते हैं। लाल कनेर, यूँ तो कनेर के हर फूल, हर कलर के फूल का एक अलग ही इफेक्ट है। लाल कनेर के फूल को एक शक्ति है, एक तामसिक शक्ति की, जब भी आप पूजा करते हैं तो लाल कनेर का फूल बहुत ही मददगार साबित होता है, और शत्रु हनन के लिए तो बहुत ही लाजवाब इसकी इफेक्ट है, बहुत ही लाजवाब इफेक्ट है। शत्रु के मारण मोहन उच्चारण के लिए जहां पर भी लाल, यदि आप यूँ भी आपका यदि कोई मंत्र सिद्ध है, जो आपने सिद्ध कर रखा है मारण का कोई भी मंत्र, यदि आप सिद्ध करके बैठे हैं शत्रु हनन का कोई भी मंत्र, तो आप कभी भी इसको लाल कनेर के फूल से कर सकते हैं। ये विधि जो मैं बता रही हूँ ये तो कर ही सकते हैं, लेकिन यदि ये विधि ना भी करनी हो तो भी लाल कनेर के फूल को अभिमंत्रित करके यदि आप शत्रु के घर पर डालते हैं तो उससे शत्रुओं की शक्ति लगभग लगभग नहिवत हो जाती है। तो आपको लेना है लाल कनेर के फूल, लाल कलर के फूल थोड़े ज़्यादा आपको ले लेने हैं, और उसमें आपको ओरिजिनल सरसों का तेल मिला देना है। क्या करना है? सरसों का तेल, मैंने हमेशा हमेशा आपको बताया है, कोई भी चीज़ को यदि आप ख़त्म कर देना चाहते हैं, उसको हटा देना चाहते हैं, तो हमेशा सरसों के तेल का यूज़ करें। दक्षिण दिशा की तरफ दीपक जलाएं, मतलब दीपक का मुख दक्षिण दिशा की तरफ, जिससे शत्रु का हनन बहुत जल्दी होता है। या जो भी चोटों ने टोटके, भूत प्रेत बाधाएं, ये जिन चीज़ों को आपको भगाना है, और यदि आप दिए का, जो भी मैंने दिए के उपयोग बताएं उसमें मैं सरसों के तेल का हमेशा बताती हूँ कि आप इसी का यूज़ करें। तो ये जो लाल कनेर है इसमें भी आपको ओरिजिनल सरसों का तेल मिलाना है,
ठीक है, दोनों ही चीज़ों को आप मिक्स कर लें बहुत ही अच्छे से, और थोड़ा सा जो हवन की सामग्री है, हवन की सामग्री काले तिल मिला लें और सफ़ेद तिल, ये सब चीज़ों को आप मिक्स कर लें और आप इसका हवन करें। क्या करना है आपको? हवन करना है। हवन में आपको जो मंत्र है मैं बता रही हूँ, इस मंत्र से आपको हवन करना है। हवन करते समय आप लाल, या तो लाल कलर के कपड़े पहने या फिर आप ब्लैक कलर के कपड़े पहने, आपका मुख दक्षिण दिशा की तरफ रखें, ठीक है। हवन आप आम की लकड़ियों से करें और उसमें एक दो नीम की लकड़ी अवश्य ही यूज कर लें। नीम की शत्रु मारण के लिए बहुत ही पावरफुल चीज है, ठीक है। दक्षिण दिशा की तरफ आप मुख करके बैठे, या तो लाल कलर का कपड़ा पहने या फिर आप ब्लैक कलर का कपड़ा पहन लें, ठीक है। आसनी भी या तो आप रेड कलर के लिए या फिर ब्लैक कलर के लिए, ठीक है। जब भी मैं कोई विधि बताती हूँ दोस्तों, बहुत ध्यान से सुने, बहुत ध्यान से सुने, तभी आप उसे फॉलो करें। करने में कहीं कोई गलती बिल्कुल भी ना करें। मंत्र जो मैं आपको बताने के लिए जा रही हूँ, मंत्र को भी बहुत ध्यान से सुनना। मंत्र है ओम हुम हुम फट स्वाहा। इस मंत्र से आपको हवन करना है। कनेर के फूल, सरसों का तेल और हवन सामग्री को मिक्स कर लेना है और इससे आपको 108 मंत्र से 108 बार आहुति देनी है, कम से कम 108 बार। फिर आप जितनी ज़्यादा आहुति देंगे उतना ज़्यादा इसका इफेक्ट देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। 108 बार आपको आहुति देनी है इसी मंत्र से, और उसके बाद जब आपका हवन पूरा हो जाता है, उसके बाद हवन की ये जो राख है, भभूत है, इसको आपको दक्षिण दिशा में, कहीं पर भी दक्षिण दिशा में, आप अपने घर से बाहर इस, मतलब जो भभूत है इसको थोड़ी सी ठंडी हो जाने दें, उसके बाद इस भभूत को आप ले लें। एक कागज़ पर अपने शत्रु का नाम लिख दें काली स्याही से। क्या करना है? काली स्याही से अपने शत्रु का नाम किसी कागज़ पर लिख देना है। कागज़ वाइट कलर का ले लें, काली स्याही से शत्रु का नाम लिख दें। उसके बाद दक्षिण दिशा में थोड़ा सा गड्ढा कर लें, वहाँ पर गड्ढे के अंदर पहले आप उस कागज़ को डाल दें जिसमें आपने शत्रु का नाम लिखा है। नाम ऊपर की तरफ रखना, जिस दिशा में आपने नाम लिखा है उस दिशा को ऐसे ऊपर की तरफ लिखना और उसके ऊपर ये सारी भस्म आप डाल दें, बराबर। क्या करना है? नीचे आप शत्रु का नाम लिख करके एक वाइट पेपर पर काली स्याही से शत्रु का नाम लिखें, दक्षिण दिशा की तरफ आपको ये सारी क्रिया करनी है और उसके ऊपर आपको ये राख डाल देनी है। राख से ही आपको उस नाम को दबा देना है, ठीक है। उसके ऊपर फिर आप थोड़ी सी मिट्टी दाब दें। कुछ ही दिन में आप देखेंगे कि आपका शत्रु बिल्कुल बिल्कुल उसका नाश होना शुरू हो जाएगा। किसी न किसी बहाने उसका अंत होना शुरू हो जाएगा। बहुत ही पावरफुल उपाय दोस्तों, लेकिन मैं फिर से बता दूं, ऐसा कोई भी उपाय करें तो बहुत सोच समझ करके करें, ठीक है। तो करते रहे, खुश रहे। ये सब कुछ करने में, समझने में कहीं कोई तकलीफ पड़ती है, कोई ऐसी बात हो जो आपकी समझ में बिल्कुल भी ना आ रही, तो पूछे अवश्य। करते रहे, खुश रहे। जय श्री कृष्ण।